हमारी गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली प्राचीन काल से चली आई है। भगवान राम गुरुकुल में पढ़े और कृष्ण और सुदामा गुरुकुल में पढ़े संदीपन ऋषि के आश्रम में, और जितने भी उसके बाद भारतवर्ष ऋषियों के देश में लोग थे वो लड़कियां लड़कियों के गुरुकुल में और लड़के लड़कों के गुरुकुल में पढ़ते आए। हमारी शिक्षा नीति गुरुकुलीय आर्ष प्रणाली, भगवान राम की प्रणाली, भगवान कृष्ण की प्रणाली क्यों आवश्यक है? क्योंकि इस प्रणाली में मनुर्भव, मनुष्य क्या है, कैसे मनुष्य का निर्माण होता है, वह क्यों पैदा हुआ है और उसको क्या करना चाहिए, यह विशेष बतलाया जाता है। समाज में वो गुरुकुल का पढ़ने वाला क्या करता है, क्या कर सकता है, इन बातों का परिचय केवल गुरुकुलों में ही होता है। इसलिए मैं आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ, जो भाई स्कूल और कॉलेजों में पढ़े हैं उनको भी कुछ कुछ समय गुरुकुलों में रहना चाहिए, निवास करना चाहिए। क्यों? गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली यह सिखाती हमारा चरित्र क्या है, हम ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करें, क्योंकि हमें गुरुकुलों में यह सिखाया बताया जाता है कि हम सबको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करने से हम सब प्रकार के रोगों से बच जाते हैं। इसलिए गुरुकुलों में ये बातें मूल रूप से बतलाई जाती है कि हमारा चरित्र सुदृढ़ होना चाहिए, हम सदाचारी होने चाहिए, हम सत्यवादी होने चाहिए, हम ईमानदार होने चाहिए, हम राष्ट्रभक्त होने चाहिए। ये सब बातें गुरुकुलों में बतलाई जाती है। कांगड़ी गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने लाल किले पर झंडा फहराया था पहली बार, तो वो सब गुरुकुल के थे। इसलिए मैं आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अपने बालक और बालिकाओं को यदि बढ़िया बनाना चाहते हैं और बुढ़ापे की लाठी बनाना चाहते हैं कि वो सेवा करें, तो आप सब अपने लड़के और लड़कियों को गुरुकुलों में पढ़ाएं, क्योंकि गुरुकुलीय शिक्षा ऐसी है जहाँ लड़कियाँ पठन पाठन करती हैं तो पढ़ने वाली भी लड़कियाँ और पढ़ाने वाली भी लड़कियाँ होती हैं, और लड़कों के गुरुकुल में भी ऐसा होता है, पढ़ाने वाले पुरुष होते हैं और पढ़ने वाले भी लड़के होते हैं। हमने भी अपना एक गुरुकुल बनाया है जनता जनार्दन के लिए, लोगों के आह्वान पर, वैदिक कन्या गुरुकुल ट्रस्ट फतुही श्री गंगानगर राजस्थान। इसमें सभी प्रदेशों की बालिकाएं हैं। कुछ बालिकाएं थोड़े ही दिनों में गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली का परिणाम, यद्यपि उनका उद्देश्य कुश्ती या जूडो करना नहीं था, लेकिन साथ में क्योंकि हम शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास और सामाजिक इन तीनों का प्रयास करते हैं, तो कुछ लड़कियां, कुछ बालिकाएं नेशनल तक जूडो और कुश्ती में जा चुकी हैं। और उसके साथ हम आर्ष प्रणाली से पठन पाठन करते हैं, दर्शन व्याकरण ये सब पढ़ाते हैं, क्योंकि रामायण और ये सब बातें हमारी समझ में आ सके, हमारी संस्कृति सब संस्कृत में है, इसलिए हमें संस्कृत पढ़नी बहुत आवश्यक है।